माई चैनल. सो मैं पिछले दो दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे आज व्लॉग स्टार्ट करना है, आज व्लॉग स्टार्ट करना है, बट वो दो लास्ट टू डेज इतने गंदे वाले हेक्टिक रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ. आज थोड़ा रिलैक्स है हम लोग, क्योंकि आज हमारे घर का ऑलमोस्ट 90% कोई है गेट पे. है क्या भैया? अरे वाह, इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए हैं और जो गैस पाइपलाइन होती है वो आ गए हैं. तो अब पंगा ही हो गया है गैस पाइपलाइन का. हम लोगों ने कहीं से भी इंटरनली, मतलब हमको सबने मना कर दिया था और जिनसे हमको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया था कि अगर आप टाइल्स के अंदर से पाइप लेंगे, महानगर वाला जो सिलेंडर वाला होता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो महानगर पाइपलाइन होता है वो अगर आप इसके अंदर से लेंगे, कल को कुछ भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम आता है तो आपका तोड़फोड़ हो जाएगा, या तो वो कंसील होता है या वो तोड़फोड़ हो जाता है. हमने हमको एग्जाम्पल दिए दो तीन घरों के हमारे यही सोसाइटी में. तो फिर विक्की ने बोला कि यार इतना शोबाजी नहीं करना है कि कोई चीज़ रिस्की हो जाए और वो अपन को डबल खर्चा दे करके वो चले जाए एंड ऑल दैट. तो हमने कहीं से भी अंदर से जो गैस पाइपलाइन था वो कंसील नहीं कराया, बिकॉज अंदर एक रिस्की फैक्टर ये भी हो जाता है, कल को वो लीक भी हो रही होगी ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो लीक हो रही है, राइट. तो हम लोगों ने फिर कहीं अंदर से नहीं करवाया. तो अब वही देख रहे हैं कि वो एक इतना अच्छा सब पाइपलाइन थोड़ा रोल खराब कर रहा है. तो अभी हालांकि वो जो गैस पाइपलाइन वाले भैया ने बहुत सही सोल्यूशन दिया है, तो मैं भाई उनको बोली कि थैंक यू सो मच भैया, डराओ वो सोल्यूशन अच्छे अच्छे दो. तो अभी वो सोल्यूशन हो गया, तो अब हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं. होपफुली वो इतना खराब नहीं लगेगा. एक जगह से पाइप आएगा तो वहाँ मैं कुछ प्लांट रख करके कुछ कर दूंगी, वो कोई टेंशन नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ DIY कर देंगे. नेक्स्ट, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इस रूम का टूर. ठीक है, एम्प्टी रूम टूर होने वाला है. अपनी वार्डरोब शेयर करूंगी, कैसी वार्डरोब बनवाई है, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं. तो मैंने कहा चलो बेडरूम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बेडरूम का हमारा जो लैम्प्स वगैरह जो भी हमको लगाने थे वो सब कंप्लीट हो गए, लाइटिंग्स यहाँ की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सिर्फ AC का वेंट बचा हुआ है, तो वो तो AC हमारा शिफ्टिंग में आएगा तभी लगा पाएंगे. तो वो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ. शैंडलियर लग गया है, विक्की का जो रूम है उसकी लाइटिंग्स, वार्डरोब सब कुछ कंप्लीट है. उसका जो टेबल उसको चाहिए था, उसका ड्रीम टेबल जो उसको चाहिए था वो आ गया है. मतलब इतनी मुश्किल से उसको कन्वेंस किया है मैंने कि दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, ये और फलाना और ढिमकाना. सो उसका वो टेबल आ गया है. उसके बाद क्या बचा अभी, ये जो हमारा बेडरूम के यहाँ पे जो पोर्च एरिया होता है ना, आपको दिखाती हूँ दिस पोर्च एरिया. ओके, तो जैसे ही लाइटिंग्स खत्म हो जाएगी ना यहाँ वाली, मैं आपको रूम टूर दे दूंगी, या तो कल शूट करूंगी आज शूट करूंगी, लेट्स सी. तो वो हो गया है हमारा, UV वाटर फिल्टर आ गया है. हम लोगों ने इतना, आप पहले हम लोग, मैं विजिट कर रही थी विक्की को कि आर ओ लेंगे. फिर उसके बाद तो हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे अपने आप को आर ओ लेने में. लिटरली जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जो उनको मैन्युफैक्चर करता है, जो बॉक्स मैन्युफैक्चर करता है, हमने उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट डब्बा उठाया है. और जो फिल्टर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, जैसे आप किसी भी ब्रांड का ले लो, एक्वागार्ड का ले लो, कैंट का ले लो, HUL का ले लो, किसी का भी ले लो, हमने वो अलग से उठाया है. 500, 550, 550, 850 का आता है, वो इतना सस्ता आता है, उसको हमने कंबाइन करवा दिया है. वही कंबाइन भी करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले हैं. एंड लिटरली मतलब हमको वो इतना चीप पड़ा है, 7,000 में हमको पूरा वो सब लगा लू करके चले गए. तो वो लग गया, चिमनी लग गई, किचन की जो प्रोफाइल लाइट्स है वो लग गई, फटाफट की आवाज़ आ रही होगी, गैस पाइपलाइन लग रही है. मतलब हम कोशिश करें कि आज हमारा काम पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि परसों मुझे निकलना है भोपाल के लिए. We are right now in my bedroom. तो this is not a complete bedroom tour. मतलब जो makeover के बाद होगा वो तो बात की बात है. But अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने lightings और wardrobe tour में दूंगी, क्योंकि wardrobe जो organized रहेगा उसके बाद की बात अलग है. लेकिन अभी हमने कैसा wardrobe बनवाया है, क्या handles हमने select करे हैं, क्या काम करवाया है बेडरूम में, बहुत काम नहीं करवाया है, मिनिमल काम करवाया है, बिल्कुल जो मुझे जैसा चाहिए था वैसे ही काम करवाया, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट बहुत सारा फिक्स फर्नीचर. एंड फिक्स फर्नीचर मुझे इसलिए भी नहीं चाहिए था बिकॉज आप फिक्स फर्नीचर के साथ ना बहुत प्ले नहीं कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू मच ऑफ यू नो वुड वर्क इन माई हाउस, बिकॉज बहुत ज़्यादा वुड वर्क से भी ना बहुत ऐसा इट, मतलब पर्सनली देखो यार, डिजाइनिंग इज टोटल पर्सनल फॉर everyone. किसी को ये बहुत खाली लगेगा, किसी को ये भी बहुत भरा लगेगा, सबका अपना अपना स्टाइल होता है. जो लाउड करवाते हैं वो उनका प्रेफरेंस होता है, उनका घर होता है. जो मिनिमल करवाते हैं वो उनका प्रेफरेंस होता है, उनका घर होता है. तो सब अच्छा होता है, बट मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैंने क्या करवाया है. सो हाँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वुड वर्क नहीं करवाना था अपने घर में, बिकॉज
बहुत ज्यादा वुडवर्क ना मुझे थोड़ा ऐसा शोरूम टाइप का फील देने लगता है, तो हमने बहुत ऐसे कलर्स भी चूज करे हैं जो लॉन्ग रन में आज से 5 साल तक भी यही कलर रहे ना तो भी मैं बोर ना हूँ, थोड़े सटल कलर्स हमने यूज करे। नाउ यू नो इफ यू फॉलो माय मेकओवर्स आपको पता होगा मैं फिर फर्निशिंग्स के साथ प्ले करूंगी, फर्निशिंग्स हो गया, सॉफ्ट फर्निशिंग्स हो गया, कर्टन्स हो गया, इनके साथ बेडशीट एक अकेली खुद ही पूरा रूम का लुक बहुत चेंज करने में हेल्प करती है, तो मैं इन चीजों के साथ कलर्स का प्ले करूंगी। तो ओवरऑल दिस इज द मेन डोर जहां से हम बेडरूम के अंदर होते हैं। टेक्निकली आई वॉन्टेड टू चेंज दिस लैमिनेट कलर एज वेल, दिस एंड दिस, बट क्योंकि हमारा बजट बहुत ऊपर चला गया था तो हम लोगों ने फिर इसको नहीं चेंज करवाया। एनीवेज दिस इज अ न्यू अपार्टमेंट, ये नया ही अपार्टमेंट है, बिल्डर के थ्रू हमने लिया है, सो एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हैं सब नए हैं, तो हम चेंज नहीं भी करवाते तो भी वी आर गुड विद इट बिकॉज क्वालिटी एंड सब कुछ, इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। हमारे जो टेनेंट्स हैं थैंकफुली उन्होंने भी बहुत अच्छे से रखा था, दे वर ओनली हियर फॉर 6 मंथ्स ओल्ड, तो हमने फिर इसका डिसाइड किया कि यार अभी बजट थोड़ा वो हो रहा है तो लेट इट बी, ठीक है। तो ये हमारा मेन डोर है एंड दिस इज आवर बाथरूम। नाउ मेन डोर के सामने थोड़ा ये ऐसा पोर्च टाइप का है, तो वॉशरूम से निकलते से ही यहाँ पर एक वॉल आती है बड़ी सी, सो आई वॉज थिंकिंग टू यूज दिस वॉल। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल नहीं लेके आने वाली हूँ, मैंने एक ड्रेसिंग टेबल कस्टमाइज करवाया था, पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पर। तो वो ड्रेसिंग टेबल हमारा दो प्लान था, या तो हम उसको सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे अगर हमको सही प्राइस मिलती है तो, एंड क्योंकि मैंने उसको बहुत प्यार से बनवाया है एंड भोपाल हमारा घर है और हम वहाँ जाते ही रहेंगे ऑब्वियसली, तो मैंने ये सोचा आपको याद होगा तो हमने हमारे घर में जो मेरे इन-लॉज का घर है वहाँ ऊपर एक रूम बनवाया था, तो वो उसी को हम यूज करेंगे बाद में, तो मैंने ये सोचा था विक्की फेवर में था कि आप उसको अपन उसको ऊपर ही रख देते हैं, किसी को सेल वेल नहीं करते हैं, अच्छे प्राइस में सेल हो गया तो सेल कर देंगे, अदरवाइज उसको हम ऊपर वाले रूम में यूज कर लेंगे। तो ड्रेस से तो मैं यहाँ पर ये डिसाइड किया कि यहाँ पर अपना ड्रेसिंग टेबल नहीं लेकर के आने वाली हूँ, सो ये जो वॉल है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हमने साइज का वो दे दिया है, मैं यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगाने वाली हूँ, सो दैट यहाँ से मैं वॉशरूम से जब भी निकलूंगी, वॉशरूम से निकल करके हम यहीं पर रेडी होंगे और हमारा एक जगह बच गया, ठीक है। फुल लेंथ मिरर लगवाऊंगी, तो हमको वार्डरोब से मिरर नहीं लगवाना था, तो यहाँ पर इस वॉल पे मिरर लग जाएगा। सो वो मिरर अभी लगा नहीं है, बाकी अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर की लाइट्स बताती हूँ। यहाँ पर ऊपर फॉल सीलिंग करी गई है जो कि बिल्डर की तरफ से हमको मिली थी, क्योंकि यहाँ पर फायर वाला जो वाटर पाइप है वो जाता है, एंड इधर पे मैंने एक और वायर डलवाया था क्योंकि मुझे ये पता था पहले से कि मैं यहाँ पर मिरर लगवाने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे पहले से वायर निकलवा दिया था, बट हुआ ये कि जब मैं लाइट्स लेने के लिए गई तो दिक्कत ये आया कि उस टाइम पे पूरे मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी का पावर गया हुआ था, आई थिंक पेपर न्यूज में भी आया था ये, फॉर अराउंड 45 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पूरे मुंबई में इंक्लूडिंग थाने एंड एवरीवेयर, तो उस टाइम पे मैं ये लाइट्स लेने के लिए गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये मुझे वो पसंद तो बहुत आ रही थी, जब आप बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे घर में थीम फॉलो हो रही है लाइट्स के लिए भी, तो मुझे वो पसंद तो बहुत आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो गया वो दोनों लाइट्स थोड़ी ज्यादा लाउड लगती है, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी देती है, बट अब ठीक है आ गया आ गया, बट मैं बाद में कल विक्की और मैं यही बात करती कि अगर हम एक भी लगाते हैं यहाँ पे तो इनफ होता, मतलब ये लगाते हैं ऊपर भी लगाते, बट अब ठीक है वो लग गया, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आप करते हो, बट यस ये एक मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है कि मिस्टेक भी नहीं है, तो ये है कि मैं इसको ऑन करके आपको एंड में सब बताऊंगी कि लाइट्स के साथ लुक कैसा आता है। उसके बाद आता है ये वॉशरूम, वॉशरूम का टूर जब ये रेडी हो जाएगा ना मैं तभी दूंगी, यहाँ पर अभी सिर्फ मिरर एंड लाइट लगाई है, तो जो लाइट की थी यहाँ फॉल हुई है वैसे ही वहां पर भी वॉशरूम में भी लगा हुआ है। और उसके बाद इस वॉल पे के साइड में आती है हमारी वार्डरोब, दिस इज आवर वार्डरोब, यहाँ पर वार्डरोब के लिए एक अलग से स्पेस दिया हुआ था, उसी स्पेस में ये वार्डरोब काफी अच्छे से फिट हो गई है, एंड हाँ ये जो वार्डरोब है ये फुल लेंथ नहीं है, ऊपर जो है बीम है तो वहां पर आप कुछ लगा नहीं सकते, तो पहले हमने ये सोचा था कि हम ऊपर भी, बाद में हमने लॉफ्ट का सोचा था कि हम इस रूम में एक लॉफ्ट भी बनवाएंगे, बट फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब दिस इज इनफ फॉर मी, एंड हम वो लॉफ्ट रूम के अंदर ना बनवा करके हम बैल्कनी का स्टोरेज यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव 4 बैल्कनीज, बैल्कनी जैसी बड़ी नहीं है मुंबई के हिसाब से, लेकिन ये इनफ बैल्कनी है और आप उसको बोल सकते हो, तो हमने जो बेडरूम की बैल्कनी ना उसको हम स्टोरेज के लिए यूज करने वाले, तो जितना सामान लॉफ्ट में आता उससे ज्यादा सामान हमारा बैल्कनी वाले स्टोरेज में आ जाएगा, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी क्या करवाया है। तो सबसे पहले तो वार्डरोब है वुडन एंड व्हाइट ग्लॉसी लैमिनेट की हमने बनवाई है, एंड दिस इज द वुडन कलर विच इज गोइंग ऑन, लाइट वुड का जो शेड होता है, अभी तक इसके ऊपर से ये अभी बहुत शाइन कर रही है, बट इसके ऊपर से जो वो होता है ना जिलेटिन, ये देखिए
ये अभी हमने निकाला नहीं है, जब ये निकाल देंगे तब ये और अच्छी तरीके से ग्लॉसी इफेक्ट देगी। ऊपर हम लोगों ने छोटी छोटी सी लाइट्स लगवाई है, तो इस लाइट्स को ऑन करते हैं। ओके, सो दीज आर द लाइट जो कि हमने अंदर ही उसमें फिक्स करवाई है एंड गिविंग अ नाइस लुक टू दिस वार्डरोब नाउ। अब आपको मैं इस वार्डरोब का टूर देती हूँ, पहले मैं इसके हैंडल्स बता देती हूँ। कुछ इस तरीके के हैं, जिस हैं और एक्रेलिक है, तो दिस इज इन अ गोल्डन एंड वाइट शेड जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं और एकदम परफेक्ट मिले हैं, मतलब एकदम परफेक्ट जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही मिले हैं। हम लोगों ने सोचा था कि जो वुड कलर है ना उसी के हैंडल्स लगाएंगे, विच इज वेरी कॉमन, आजकल काफी कॉमन ट्रेंड चल रहा है वही हैंडल वुड के लगाने के, थोड़े बड़े बड़े साइज के। मैंने अपने कार्पेंटर को वही बोला था, बट फिर उन्होंने बोला कि मार्केट में भी वुडन हैंडल्स बहुत आराम से मिलते हैं, आप एक बार देख के आ जाइए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट गए, ढूंढ के आए, एंड जैसे ही मेरी इन हैंडल्स के ऊपर नजर गई, मैंने बोला मुझे वुड के हैंडल्स नहीं लगाना है, दे आर यूनिक, ब्यूटीफुल, स्लीक एंड काफी सही लग रहे थे, बहुत अच्छी वाइब के साथ जा रहे थे। तो अब इन वार्डरोब्स को मैं ओपन करके बताती हूँ। जो हमने जिस तरह की वार्डरोब मुझे डिजाइन करनी थी वो डिजाइन की पिक्चर में यहाँ पे लगा दूंगी। सो दिस इज अ डिजाइन जो मैंने डिजाइन करी थी आईपैड के अंदर, मुझे इतना स्टोरेज चाहिए ही चाहिए था, एंड आई वॉज न्यू फ्रॉम द बिगनिंग कि मुझे किस में किस बॉक्स में क्या रखना है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज द इमेज एंड नाउ मैं इसको ओपन करती हूँ। सो दिस इज द वार्डरोब, बहुत ज्यादा मेसी है तो प्लीज डू नॉट जज मी। कुछ इस तरीके की दिखती है, ये देखिए आपको मैं एक लुक दे देती हूँ कि कैसे दिखती है। मैंने भर भर के इसके अंदर चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लगवाए हैं, हैंगिंग्स मैंने कहीं पे भी नहीं लगवाई है बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू हैंग माय थिंग्स। मेरे पास ऐसा कुछ सामान है भी नहीं, ब्लेजर्स वगैरह मैं सब फोल्ड करके रखना पसंद करती हूँ। पर ये वाला देखोगे ना, जहाँ पर ये थोड़ा बड़ा साइज का दिख रहा है इस तरफ, ये यहाँ पर मैं चाहूँ तो हैंग कर सकती हूँ, मैंने एक सेक्शन दिया है इन केस जैसे कोई बहुत एक्सपेंसिव साड़ी है या बहुत एक्सपेंसिव कोई ड्रेस है उसको मैं हैंग करूंगी, ब्लेजर वगैरह है। बाकी मैंने कुछ और हैंगिंग का स्कोप यहाँ पे नहीं दिया है। एंड दिस कंप्लीट वार्डरोब इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू मी। विक्की ने जो वार्डरोब उसका डिजाइन जो पसंद करना था वो मैंने उसको उस रूम में बना करके दी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये आपको एक छोटा सा सेक्शन दिख रहा होगा, तो ये जो छोटा सा सेक्शन है इसमें हमारी आयन, मेरे जो स्ट्रेटनर्स हैं, हेयर ड्रायर्स हैं, जो भी हेयर रिलेटेड एक्सेसरीज हैं या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्सेसरीज है वो हम बाहर रखेंगे, उसके लिए वो हमने छोटा सा एरिया बना करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक थोड़ा लंबा सेक्शन दिया हुआ है, आई कैन यू नो यहाँ पर एक रॉड लगा करके जो भी मुझे हैंग करना होगा वो मैं यहाँ पे हैंग कर सकती हूँ। नाउ कमिंग टू दिस साइड, मैंने थोड़े छोटे छोटे सेक्शंस में तीन सेक्शन बना करके रखे हैं जस्ट टू हैंग माय हैंड बैग, स्लिंग बैग वगैरह रखने के लिए और रैंडमली जो भी मुझे स्टफ रखना होगा वो रखने के लिए। नाउ कमिंग टू दिस साइड, मैंने काफी सारे, अब आप देखेंगे तो 5 चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स बनवाए हैं। दिस इज द फर्स्ट चेस्ट ऑफ ड्रॉर। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अपना जो मेकअप है ना वो भी इसी में स्टोर करूंगी, मेरा जितना भी रैंडम स्टफ है वो सब मैं इसमें स्टोर करूंगी, बट देन मेकअप के लिए मैं अलग यूनिट लेने का सोच रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड ही चीजें आएंगी, और तो हाँ, तो जैसे अंडरगार्मेंट्स के लिए मैंने एक ड्रॉर बना लिया है, देन ब्लैक कलर के जितने भी टॉप्स होंगे उनके लिए मैंने एक अलग ड्रॉर बनाया है, रेड एंड येलोज के लिए अलग हो गया, ब्लू एंड ग्रीन के लिए अलग ड्रॉर हो गया। उसके बाद मैं अपने जो लैपटॉप वगैरह एक्सेसरीज है, कैमरा वगैरह, उसके लिए भी मैंने एक ड्रॉर बनवाया है अगर मुझे यहाँ पे रखना होगा तो। वो डिपेंड करता है जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी और जिस तरीके से मैं सामान रखना स्टार्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने 2 ड्रॉर बनवाए हैं, एक ये है और एक ये है, जस्ट रैंडम स्टफ के लिए जो भी मुझे रखना होगा। और यहाँ पर मैंने 2 वो लगवाया है इंडियन वेयर के लिए वार्डरोब में। यहाँ पर भी मैंने काफी ज्यादा स्टोरेज बनवाया है और इधर भी सिर्फ 2 चेस्ट ऑफ ड्रॉर बनवाए, बिकॉज मेरे को जितने बनवाए थे वो सब मैंने वहां बनवा दिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चेस्ट ऑफ ड्रॉर बनवाए हैं एंड यहाँ पर काफी सारी मैंने शेल्फ डिविजन करवाई है, सिर्फ पूरा शेल्फिंग यूनिट ही चल रहा है इफ इन केस मुझे ब्रांड रिलेटेड कोई सामान रखना हो या कुछ भी रखना हो। तो मैंने काफी, मतलब जीन्स रखने के लिए अलग सेक्शन है, शॉर्ट्स के लिए अलग से, ऐसे ऐसे सेग्रीगेट करवाई है वार्डरोब ताकि सामान बहुत आराम से डिवाइड भी हो जाए, रख भी जाए और कुछ निकालना पड़े तो सारा सामान डिस्टर्ब ना हो जाए। ये थॉट प्रोसेस से मैंने ये वार्डरोब डिजाइन किया है। दिस इज माई वार्डरोब। ओके, तो हमारा डाइसन वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है हम लोगों ने फिलहाल तो। और अभी ये मत सोचना कि ये गंदी हो रही है, ये पूरी इसके ऊपर फिल्म चढ़ी हुई है, पूरी फिल्म चढ़ी हुई है, वो निकलेगी अभी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे आई एम श्योर, जो 2-3 थॉट एक दिमाग में आता है वो ये आ रहा होगा कि आपने मास्टर बेडरूम में स्लाइडिंग वार्डरोब क्यों नहीं करवाई। तो सबसे मेन रीजन मेरा स्लाइडिंग वार्डरोब नहीं करवाने का वो ये था, जितने प्राइस में हमारा ये बना है उतने प्राइस में हमको स्लाइडिंग वार्डरोब भी मिल जाती। सबसे पहला रीजन ये है कि स्लाइडिंग वार्डरोब को
का जो मेंटेनेंस होता है नीचे, जो वो स्लाइडिंग वाले जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, उसका जो कवर ओवर होता है जिसके अंदर कचरा फंस जाता है, आपको उसको वो एक क्लीनिंग प्रोसेस आपका एक एड ऑन हो जाता है। चीजें डिजाइन करी है वो ये सोच के डिजाइन करी है कि लॉन्ग रन में मैं मेंटेन कर पाऊं। शुरू में तो हम जोश जोश में बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं सारी चीजें, बट एक सम पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के ना, आप जब आपकी बॉडी थकने लगती है और आपका मन नहीं करता है तो वो चीजें फिर वैसे ही पड़ी रहती हैं, बड़े बड़े खराब हो जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ी सिंपल चीजें हो, मेंटेन हो सके, और कल को अगर उसको मेंटेन करवाना हो, कोई चीज खराब हो जाए तो उसमें आपको बहुत खर्चा ना आए। उनको यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं था, अगर यहाँ जगह का कुछ प्रॉब्लम होता ना तो मैं डेफिनेटली स्लाइडिंग करवाती। यहाँ पर मास्टर बेड आने के बावजूद आगे अच्छी खासी स्पेस बचती है, सो कोई इश्यू नहीं था वार्डरोब ओपन करने का, तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा वार्डरोब बनवाया है। तो है ना, यहाँ पर आएगा हमारा बेड, ये हमने बेड वाली वॉल रखी है, और इसके बेड के साइड में हमारे बेड साइड टेबल भी आ जाएंगे। तो मास्टर बेडरूम बोल रही हूँ, जो किंग साइज बेड है वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड साथ में बेड साइड टेबल आराम से इस वॉल पे आ जाता है, ये पूरा कवर हो जाएगा। नाउ इस वॉल के ऊपर हमने इस रूम में फॉल सीलिंग भी नहीं करवाई है, उसका एक बहुत ही बड़ा मेजर रीजन है, जो कि पता नहीं आप लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा सुपरस्टिशियस रीजन है, कुछ लोग इस चीज को मानते नहीं होंगे, तो मुझे अभी पब्लिकली वो बताने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि होता है ना अभी मेरा वो बिलीफ है, अभी कुछ लोगों का नहीं होगा तो उस पर कॉमेंट करेंगे, नॉट डिस्क्लोजिंग दैट रीजन कि मैंने क्यों फॉल सीलिंग बेडरूम में नहीं करवाई है। क्योंकि मैंने फॉल सीलिंग नहीं करवाई है तो मैंने क्या करवाया, लाइट्स का अच्छा स्कोप दिया है, मतलब वी डोंट नीड फॉल सीलिंग, हमने यहाँ पे एक्सेंट लाइट्स करवा दिए हैं काफी सारे। तो इस वॉल पे बहुत ही प्यारी सी एक एक्सेंट लाइट, हमने पैनल लाइट, हमने एक लाइट लगवाई है जो कि पैनल के साथ है, और क्योंकि बेड है, बेड के ऊपर डेफिनेटली मैं कुछ करने वाली हूँ, या तो हैंड पेंटेड कुछ चीज लगाने वाली हूँ DIY करके, या कुछ चीज ला करके लगाऊंगी, तो उसको फोकस मैं देने के लिए जो लाइट जो हमने बेड के ऊपर लगाई है मैं इसको ऑन करती हूँ। जो फोकल है, जो इनका फोकस है, वो अभी मैंने वॉल की तरफ करके रखा है। इस लाइट को क्या कर सकते हो, आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, आप इसको निकाल सकते हो, आप एक लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, चार लगा सकते हो, इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, दे आर अमेजिंग, मल्टीपर्पज है, कहीं पे भी सीलिंग पे लग जाती है, वॉल पे लग जाती है, आपके स्टडी यूनिट के ऊपर आप लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं इस वाली वॉल पे, तो इसके ऊपर हम लोगों ने ये वाला लाइट लगवाया हुआ है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल लाइट, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, मैं इसको ऑन करके बताती हूँ। ओके, सो दिस इज द लाइट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी प्रिटी लाइट, ये देखिए पास से देखिए इसको, हाँ तो ये है इन द कलर ऑफ गोल्ड, और मैट कलर का जो ब्लैक कलर होता है ना वो, एंड साथ में व्हाइट, तो ये तीन कलर में है। तो मैंने जो इसका थीम रखा हुआ है ना वो वुड है, व्हाइट है ऑब्वियसली, एंड गोल्ड के हमने हिंट्स दिए, और थोड़ा बहुत ब्लैक को अवॉइड कर ही सकते हो। ओके, नाउ दीज आर द कर्टेन रॉड्स, ये हमने डबल उसके करवाए हैं, क्योंकि यस दिस इज द लुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम एक नाइट लैम्प लगाएंगे, जो कि अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा, वो उधर पे लग जाएगा, कैसी दिखती है। सो दिस इज द लाइट, यू कैन चेंज दिस, ये वाला जो लाइट है ना ये चेंज होता है, दिस इज इन 3-in-1 कलर, और ये तीसरा पूरा। मैं यहाँ पर मिरर लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी ऐसी लाइट चाहिए थी ये, सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड कि थोड़ा ऐसा लाइट हो जिसको मैं चेंज वेंज कर सकूँ। सो यस, दीज आर द लाइट्स, और ये हमारा बेडरूम टूर हो गया है, अब आते हैं बाहर के साइड में। नाउ ये हमारी एक बड़ी सी विंडो है, और ये हमारा स्लाइडर है, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे जो एरिया है ना वहाँ पर इतनी स्पेस थी, ठीक है, दोनों तरफ इतनी ही स्पेस है, यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस है, बट यहाँ पर ये पाइप आता है एक, और इधर पर काफ़ी स्पेस है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टोरेज बनवाया है। अभी यहाँ पर डोर आने वाला है, वो डोर जो है, जो भैया हैं कारपेंटर वाले, वो अभी बाहर चले गए छुट्टी बनाने के लिए, बिकॉज गर्मी की छुट्टी चल रही है, सो वो अपने घर गए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि इतनी बड़ी है कि मैं अभी, ये मैंने स्मॉल साइज़ के अपने बैगेज रख रखे हैं, मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बैगेज भी आराम से रख सकती हूँ, ट्रॉली रख सकती हूँ, इट्स दैट बिग, और काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरी यहाँ पर स्टोरेज में, एंड यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी आ जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने इस एरिया को पूरा कवर करवाया है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे यूजुअली आपको वो लगाना चाहिए, ग्रिल लगा देनी चाहिए। मुझे ग्रिल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है अपने घर में, एक तो वो बहुत ऐसा फील देता है कि जैसे आप जेल में हो, कैद कर दिया आपको किसी ने, तो मुझे ग्रिल नहीं लगवाना था, एंड एट द सेम टाइम आई वॉन्ट समथिंग
कि जैसे यहाँ पर हम अपना स्टोरेज बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक वो हो जाए कि भाई कुछ कुछ एक बैरियर हो जाए, जो कबूतर वगैरह हैं, पिजन वगैरह हैं, वो सब ना आए, गंदा ना कर दें, और ये सारा एक मुझे फैक्टर था। तो हमने यहाँ पर क्या करवाया, स्लाइडर्स लगवा लिए हैं बाहर की उस पर, तो जब मेरा मन करता है मैं वो स्लाइडर ओपन भी कर सकती हूँ, पूरी हवा भी आएगी। उसमें हमने मॉस्किटो नेट लगवा दिया है, मेटल वाली जो मॉस्किटो नेट आती है, तो कोई कीड़े मकोड़े मच्छर कुछ भी चीज़ आने का डर नहीं है, और ओपन है तो हवा पूरे टाइम आती रहेगी, और साथ में मेरा जब मन करेगा मैं ये जो स्लाइडर है ना, लेट मी, ये जो स्लाइडर है इसको आई कैन ओपन लाइक दिस, मैं इसको ओपन, अभी मैं बिल्कुल ब्लैक दिख रही हूँ, हाँ, तो मैं इसको ऐसे ओपन कर सकती हूँ, दोनों तरफ से ये ओपन हो सकता है, ये निकाल भी सकते हैं। सो इनकेस अगर यहाँ कपड़े वपड़े भी डालना हो तो ये मुझे ज्यादा सही तरीका लगा ये लगाने का। तो मॉस्किटो क्या, अपन मुझे थोड़ा खुला खुला घर पसंद है, आप पूरे टाइम तो एसी में नहीं रह सकते, आई एम नॉट अ पर्सन जो फुल टाइम एसी में रहे, सो आई वॉन्ट थोड़ा ओपन और एयरी घर हो, अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा फीलिंग आए, अच्छी एयर पास हो घर के अंदर, पॉजिटिविटी आए, तो इसलिए मैंने ये लगवा के रखा था कि आप शाम को रात को भी चाहो, अगर अच्छी हवा चल रही है, अच्छा वेदर है, तो आप ओपन करके सो सको। तो यस, दिस इज द बेडरूम डोर। अब बाकी एक्चुअल कैसा लुक इसका आएगा वो आपको असली मेकओवर के बाद पता चलेगा, अभी मैंने आपको लाइट रिंग्स और जो बेसिक चीजें हमने करवाई है वो बता दी है यहाँ की। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, आप अपने थॉट जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। See you in my next video. Till then, bye.